हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारे जो आई एम हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में उनके विशेष आह्वान पे आई एम की सारी ब्रांचेज ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 12 से लेकर 2 बजे का स्ट्राइक की है। ये हमारी सांकेतिक स्ट्राइक है और हमारा आह्वान ये है कि मिक्सोपैथी के हम खिलाफ हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRS जो मिक्सोपैथी का किया है, जो MD MS जो सर्जरी का उनको दिया है, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उसके हम गए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार मलिक, प्रेसिडेंट इलेक्ट IIM पलवल। सर, विरोध आपने दर्ज कराया है, हाँ जी, तो ऐसे में ये जो सांकेतिक हड़ताल है, हाँ जी, इससे कोई असर पड़ेगा? इससे बिल्कुल असर पड़ेगा। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1000 सेंटर के ऊपर, पलवल में 3 सेंटर के ऊपर गई है, इतने पूरे हर एक ब्रांच में 5-5, 7-7 सेंटर सांकेतिक हड़ताल की गई है। इसका हम DC को मेमोरेंडम दे रहे हैं और हम अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 11 तारीख को एक दिन की सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक स्ट्राइक करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पवन कौशिक है, वैद्य पवन कौशिक। रवि जी, बड़े दुख का विषय है और हंसी भी आती है कि जो चीज़ इन्होंने दी आज उन्हीं लोगों का विरोध हो रहा है। ये जो सर्जरी है ये आयुर्वेद की ही देन है और 5000 साल पहले एलोपैथी का कोई वजूद नहीं था। जब से सृष्टि है जब ही से आयुर्वेद है और जब ही से ये सर्जरी चल रही है, रामायण काल में, महाभारत काल में भी युद्ध होते थे, इवन किसी भी युद्ध में किसी बाण से तलवार से कोई जो अंग है अंग विच्छेद हो जाते थे शरीर से, जब भी प्लास्टिक सर्जरी होती थी, रात को लेप लगाया, सुबह ऐसी ऐसी औषधियां थी कि लेप से ही वो प्लास्टिक सर्जरी का काम करते थे। तो सर्जरी तो 5000 साल पहले से चली आ रही है, यहाँ से थोड़ी है। अब इसका ये मॉडर्निटी कर दी गई है, भाई पहले सलाखा थी या लाइटिंग, अब तो OT में भी लाइट है, सारे इक्विपमेंट चेंज हो गए, कॉटरी से कॉटरी यूज करते हैं, तो ये तो पहले से चला रहा है, ये तो हमारी ही देन है आयुर्वेद की, जिसके लिए आज ये लड़ रहे हैं कि इनको नहीं देनी चाहिए। ये परमिशन देने वाले हैं, भाई दिया तो हमने आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद है आयुर्वेद ने ही इसको जनरेट किया है पहले से, सर्जरी तो पहले चली आ रही है। तो जो सुश्रुत जी हैं हमारे महाराज जी, सुश्रुत जी तो सर्जरी ऑफ गॉड सुश्रुत जी को कहा गया। जो डॉक्टर्स हैं ये विरोध क्यों कर रहे हैं आखिर? विरोध ये है कि उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों ने बना रखा है कि भाई अननेसेसरी सर्जरियां होती हैं जिसमें पैसा मोटा ले रहे हैं, और आयुर्वेद तो एक ऐसा सिद्धांत है जो जिससे सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। मोस्टली जैसे करते हैं कि भाई LSES कर रहे हैं, ऑपरेशन से बच्चे को निकाल रहे हैं, आयुर्वेद में तो ऐसी पैथियां भी हैं, ऐसे प्रोसेस भी हैं कि जो बच्चा अगर गर्भ में उल्टा है तो कुछ ऐसे मसाजेज हैं, ऐसी लांगली की जड़ है, लांगली की जड़ क्या है, ये ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करती है। हमारे आयुर्वेद में ये है कि लांगली की जड़ का अगर नाभि पे लेप किया जाए या किसी भी धागे से पेट के ऊपर बांधा जाए, उससे ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, स्किन से टच होने के बाद बच्चे को बाहर निकाल देता है इजीली, क्योंकि उनको पैसा बड़ा मिलता है। आयुर्वेद में क्या है कि जिस चीज़ में आपको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़नी, जैसा कोई गांठें हैं, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला है कि जो गांठें हैं शरीर में किसी प्रकार की गांठें हैं, आयुर्वेद तो जहां से ये गांठें बनना स्टार्ट होती हैं, जो कॉज है आयुर्वेद तो वहां तक काम करता है, फर्क पड़ेगा भाई। अब ये क्षारसूत्र है, क्षारसूत्र किसका है? आयुर्वेद का है। आयुर्वेद में जो फिस्टूला है, आपने ऑपरेट कराया, ऑपरेट के बाद 6 महीने साल में दोबारा से फिस्टूला हो जाएगा, लेकिन क्षारसूत्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद दोबारा होने का मतलब ही नहीं है सर्जरी में। यानी कि जो डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं उनका आप समर्थन नहीं? वो भी मेरे भाई हैं। अब ये बताओ कि जब अब कोरोना काल चल रहा है, सबको अब ये हर गांव में हर शहर में जिसको भी कोविड पॉजिटिव है, खुद गवर्नमेंट आयुर्वेद की मेडिसिन सप्लाई कर रही है, क्यों भाई? जब आयुर्वेद से इतनी दिक्कत है तो उसको क्यों दिया जा रहा है? मेरा नाम वैद्य कपिल मुनि है, मैं एक BMS डॉक्टर हूँ जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर्स आज धरने पर बैठे हैं, सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, तो आप लोगों को अनुमति ना दी जाए सर्जरी की, इस पर उन्हें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, मैं पत्रकार भाई रवि जी, वैसे तो इनको
हमारे एम्स वाले साथी भाइयों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। एक सर्जरी का हमें परमिशन पहले से ही थी, हम पहले भी पर सर्जरी करते थे और ये बहुत पहले से हम सर्जरी करते हुए आ रहे हैं। वर्ष 5000 वर्ष पूर्व से भी हम ये सर्जरी काल में हम आयुर्वेद ही सर्जरी करते आ रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी, छेदन, विभेदन, कर्म, सारे कर्म हम करते आ रहे हैं। बस हम पुरानी पद्धति द्वारा करते थे, ये कुछ नई टेक्निक से द्वारा करने लगे। वो टेक्निक भी इन आयुर्वेद वालों पहले से ही करते आ रहे हैं। टेक्निक भी इन लोगों की देन नहीं है, टेक्निक फिजिक्स की देन है। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, लाइटिंग हो गई, ये सब एलोपैथ की कोई देन नहीं है। ये तो इन्होंने अब से पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया। शो ऑफ करो, ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा पैसे लो। आयुर्वेद दो तरह से काम करता है, कि स्वस्थ शरीर की रक्षा करता है और कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उस विकार के उत्पन्न को दूर करता है। आयुर्वेद बहुत पहले से ही सर्जरी में करता रहा है। हम लोगों को भी पहले से ही सर्जरी अलाउ थी, हम लोग करते हैं पहले से सर्जरी। सरकार ने सिर्फ अब कितना किया है कि क्लैरिफिकेशन किया है कि भाई अब कानूनी कार्रवाई कोई आपकी तरफ से अड़चन नहीं आए। हमारे डिपार्टमेंट में काय, बाल, ग्रह, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषय 8 तरह के अंग सर्जरी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें शालक्य एक डिपार्टमेंट है और शल्य एक डिपार्टमेंट है। तो शल्य में हम पहले भी सर्जरीज करते हैं। अब इन लोगों को किस प्रकार का विरोध है, क्यों विरोध है, ये लोग तो वही बता सकते हैं। मेरी तरफ से इनको इनका विरोध नहीं करना चाहिए। ये लोग भी एलोपैथ वाले भाई भी हमारे 5 साल 5.5 साल पढ़ाई करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में ग्रेजुएट डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद में शल्यक्रम क्रिया के लिए वो 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं। हम भी सिर्फ वही है, हम भी 5.5 साल की अपनी पूरा ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, उसके बाद 3 साल की एमएस डिग्री करने के बाद ही सर्जरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीएमएस डॉक्टर एक सर्जरी करने लगेगा। ये इन लोगों की गलतफहमी है कि कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर गलत या सर्जरी करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे भी एक कुशल शल्य चिकित्सक ही सर्जरी करेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आयुर्वेद में या फिर जो और पैथी है उनमें इलाज में आर्थिक खर्च कम होता है या फिर ज्यादा होता है? आर्थिक खर्च बहुत कम होता है। जो प्राइवेट अस्पताल के जो और सब खर्चे होते हैं उसमें सब चीज लगाई जाती है और सबका वर्डन पेशेंट पे पड़ता है। तो ऐसे में मरीज की जेब पर हल्का खर्च वहन करने का अगर अनुमति दे दी जाती है तो मरीज की जेब पर थोड़ा सा खर्चा कम होगा। बिल्कुल पड़ेगा भाई, आप देखो तो सही, आयुर्वेद बहुत सस्ती उसमें इलाज करता है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हो। एक MBBS MS करने के लिए कम से कम एक आंधे को 2-3 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि एक चिकित्सक के लिए इतना खर्चा नहीं आता। आयुर्वेद चिकित्सक के लिए कम खर्चा था। अब जिसका कम खर्चा आया उसके हॉस्पिटल में भी कम खर्चा आएगा तो उसके सर्जरी में भी कम खर्चा आएगा। सब चीज में खर्च में ही तो होता है। अब इतना मटेरियल सब लगता है बिल्डिंग में, सब में लगता है, सबका एम्प्लॉयज का खर्चा कहाँ निकलता है? वो सब पेशेंट पे बर्डन पड़ता है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक वही सर्जरी उसको कम से कम 50% में करेगा तो क्या बुराई? यानी सरकार ने तो सही सोचा है। सरकार चाहती है हर एक बंदे को अपने अपने इस नागरिक को एक सुविधा प्रोवाइड करे। इतनी सुविधाएं प्रोवाइड गांव तक नहीं पहुंच पा रही। गांव तक पहुंचने के लिए जो हमारा मरीज है वो गांव में मर जाता है। आधे से ज्यादा पेशेंट सरकारी में मर जाते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके पास इतना पेमेंट नहीं होता, इतना खर्च पैसे नहीं होते, तो वो वैसे मर जाते हैं। अगर इसमें ये सरकार ने बहुत अच्छा एक क्लैरिफिकेशन दिया है, इससे ग्रामीण में बहुत लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, पहले से ज्यादा सर्जरीज होंगी और जो अनऑथोराइज सर्जरी है उन पर रोक लगेगी। अब तक तो क्या कि उनकी मनमानी थी कि हम ये करेंगे तो यही होगा, नहीं करेंगे तो आप मरो। अब इसमें आयुर्वेद चिकित्सक अपना योगदान दे करके इसमें उनको अनऑथोराइज सर्जरी पर रोक लगाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की